हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक ओमनी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली बहुत कमाल की वीडियो होने वाली, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो है टेक न्यूज़ नंबर 36 और मैं आपको देने वाला हूँ कमाल की टेक न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, आपके सपोर्ट की वजह से मेरी टेक न्यूज़ बढ़ती जा रही है और जल्दी से जल्दी हम टेक न्यूज़ 100 तक पहुँच जाएंगे। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा और हमारी टेक न्यूज़ देखते रहिएगा। तो बढ़ते हैं सीधा वीडियो की तरफ। दोस्तों पहली जो खबर आ रही है वो आ रही है वीवो की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, वीवो की तरफ से बहुत दिनों बाद खबर सुनने को मिली है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, वीवो की तरफ से जो स्मार्टफोन चाइना में आज लॉन्च हुआ है उसका नाम है वीवो Y31S। HD प्लस डिस्प्ले और 5G प्रोसेसर के साथ में वीवो Y31S का जो प्राइस हो जाता है वो है दोस्तों, जो चाइना में लॉन्च हुआ है वो प्राइस है 19,100 रुपये। जब ये इंडिया में आएगा तो 1,500 रुपये बढ़ के ही आएगा। तो क्या आप ऐसे स्मार्टफोन को लेना पसंद करोगे जिसमें HD प्लस डिस्प्ले हो, AMOLED या सुपर AMOLED कुछ बोला नहीं गया है। वैसे भी HD प्लस AMOLED दे दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो 19,100 रुपये की प्राइस जो कि चाइना में लॉन्च हुई है, इंडिया में करीबन 20-21,000 के करीब ये आएगा। आप मुझको कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा कि आप ऐसे स्मार्टफोन को लेना पसंद करोगे जिसमें HD प्लस डिस्प्ले और 5G प्रोसेसर हो और वीवो की ब्रांडिंग के साथ में आ रहा हो। मैं तो नहीं लेना पसंद करूंगा सीरियसली। तो बढ़ते हैं सीधा अगली खबर की ओर। दोस्तों अगली जो खबर आ रही है वो आ रही काउंटर पॉइंट रिपोर्ट की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, काउंटर पॉइंट आपको पता ही है कि काउंटर पॉइंट रिपोर्ट और रिसर्च करता रहता है कि कौन से स्मार्टफोन इस महीने ज़्यादा से ज़्यादा बिके हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, अब जो मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ वो है चाइना की। जी हाँ दोस्तों, चाइना में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कंपनी है हुआवे। लेकिन इस बार हुआवे को सरपास किया है ओप्पो ने, उसके बाद वीवो ने। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ओप्पो जो है 21% मार्केट शेयर लेकर के बैठा है चाइना में, उसके बाद 20% वीवो और हुआवे, और उसके बाद 16% में एप्पल और शाओमी सिमट गए हैं। जो कि देखने वाली बात हो जाती है कि शाओमी इंडिया में राज कर रहा है, चाइना के जहां का ओरिजिन है वहां नहीं कर पा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है मी 11 लाइट की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, मी 11 लाइट जो स्मार्टफोन है वो Qualcomm Snapdragon 775 के साथ में आ सकता है, जो कि 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड प्रोसेसर है, जो कि 5G प्रोसेसर है। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल सकती है UFS 3.1 की स्टोरेज और LPDDR4X की रैम, जो कि बहुत अच्छी हो जाती है। इसका जो प्राइस अंदाजा या रूमर्स आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि इसका जो प्राइस है 25,000 के अप्रोक्स रहेगा। अगर ये स्मार्टफोन 25,000 के अप्रोक्स में आया तो ये किल कर देगा किसको, OnePlus Nord को, Vivo V20 Pro को, ऐसे ही और भी स्मार्टफोन्स को। तो देखने वाली बात हो जाती है और कब तक ये स्मार्टफोन आता है तो देखते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है बोट की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, बोट कंपनी अब तक अपने साउंड प्रोडक्ट या फिर कह सकते हो म्यूजिक प्रोडक्ट निकाल रही थी, अब उसने अपने हेल्थ प्रोडक्ट कह सकते हो हेल्थ वॉच या फिर फिटनेस बैंड निकालने स्टार्ट कर दिए हैं। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, 9 मार्च को इसकी एक वॉच आएगी जो कि स्मार्ट वॉच बोली जा रही है, जो कि केवल और केवल 2499 रुपये में लॉन्च होगी। जो देखने वाली बात हो जाती है कि इसके अंदर क्या क्या आता है। वैसे इसमें कंफर्म 2-3 स्पेसिफिकेशन बता दिए जिनको मैं साइड में दिखा दे रहा हूँ, वाटर रेजिस्टेंस वगैरह। तो देखते हैं क्या होता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है सैमसंग गैलेक्सी M51 स्मार्टफोन की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी M51 स्मार्टफोन अगर आप चला रहे हैं या लेने वाले हैं तो सैमसंग गैलेक्सी M51 की जगह तो आप, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि F62 ले सकते हैं। अगर आपके पास पहले से M51 है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी M51 के लिए खुशखबरी है जिनके पास ये स्मार्टफोन है, क्योंकि उसमें आपको मिलने लगा है One UI 3.0 का अपडेट और साथ ही साथ Android 11। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है एक ऐसी लिस्ट की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, जिसमें पता पड़ता है कि आने वाली 10, 11, 8, 9, 16, 15 जो भी तारीख है इस मार्च महीने की, उसमें कौन कौन से स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आने वाली जो 10 तारीख है 10 मार्च, उसको देखने को मिलेगा Asus का ROG 5। उसके बाद 11 मार्च को आपको देखने को मिलेगा Oppo Find X3 सीरीज, और उसके बाद आपको 16 तारीख को देखने को मिलेगा IQ Neo 5, जो कि मेरे को लग रहा था कि मार्च के लास्ट में या फिर कह सकते हो अप्रैल के स्टार्टिंग में आएगा। डे बाय एन भाई ने बताया था, मैंने पिछली टेक्निक में बताया था। और उसके बाद जो तारीख आ रही है दोस्तों, जैसे कि 17 तारीख को आपको देखने को मिल सकता है सैमसंग गैलेक्सी A52 स्मार्टफोन, और आज के दिन लॉन्च हुआ है सैमसंग गैलेक्सी A32 स्मार्टफोन जो कि 4G वेरिएंट लॉन्च हुआ है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, 4G वेरिएंट जो है वो मीडियाटेक G80 के साथ में है, तो इसका मैं इसके ऊपर एक वीडियो मैं अलग से बना के दूंगा। अभी मैं बताता हूँ आगे आने वाले और भी स्मार्टफोन, जैसे कि Mi 10S और Mi 11 Lite, और साथ ही साथ आपको देखने को मिल सकती है OnePlus 9 सीरीज। तो देखते हैं दोस्तों ये कब तक आते हैं। OnePlus 9 सीरीज 8 तारीख को अनाउंस होगा और कब ऑनलाइन मतलब सेल के लिए अवेलेबल होगा ये अभी कंफर्म नहीं है। 8 तारीख तक का वेट करते हैं। तो दोस्तों आज की टेक्निक होती है कंप्लीट। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साइड में बेल आइकन उनका आएगा उसे जरूर प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन कॉल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों काउंटर पॉइंट आपको पता ही है, ये पता ही है।
आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा कि बताइए जी हाँ दोस्तों काउंटर पॉइंट रिपोर्ट की तरफ से कमेंट सेक्शन जरूर से बताइएगा कि जी हाँ दोस्तों जो 10 तारीख है उसको आपको देखने को मिलेगा Asus ROG 5 फोन, मतलब Asus ROG 5 फोन ROG 5 ही दो। उसके बाद 16 मार्च को आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज की टेक्निक्स होती है कंप्लीट दौड़।